हमारे साथ मौजूद हैं हमारे भाई शबाब भाई। शबाब भाई क्या हो गया, ये परिंदे की डेथ हो गई है। इधर ऐसी सर्दी है अभी, बहुत ज्यादा सर्दी है, इवन के 5 मिनट बाद पानी रखोगे तो वो फ्रीज हो जाएगा। बहुत ज्यादा सर्दी है, पिछले साल भी बर्फ पड़ी थी लेकिन एक दिन के अंदर इतनी ज्यादा बर्फ नहीं पड़ी थी। तकरीबन 24 घंटे की बर्फ है और एक्सपेक्ट हाँ की आगे ये बाहर ताकि सिलसिला जारी रहेगा। बहुत ज्यादा बर्फ है। ये देखें जी किस तरह बर्फ उड़ रही है इस टाइम, बहुत तेज हवा चल रही है। जो बर्फ पड़ी हुई है कुछ वो उड़ रही है, ऊपर से वो पड़ रही है। बहुत सर्दी वाला माहौल हुआ है यहाँ पर। कितना टेम्परेचर होगा एटलीस्ट यहाँ पर? -30 -22 -22 हाँ जी, -8 या -9 है। भाई कह रहे हैं कि जब पिघलेगी तो टेम्परेचर जो है वो और नीचे चला जाएगा, घूम सकते हैं। इवन के अभी भी मेरा जो हाथ है वो फ्रीज हुआ पड़ा है। तकरीबन एटलीस्ट 15-20 सेंटीमीटर से ऊपर है। ये देखो ना कितना किस हद तक जो है पाऊंगी इसके अंदर धंस रहा है। और अभी हवा चल रही है, बर्फ जो है वो एक जगह पर रुक नहीं रही, टिकी रही। और अगर आप ये देखिए जब ये आ जाता है तो फिर यहाँ पे ना गाड़ी चल सकती है ना इंसान। एग्जैक्टली यहाँ पर स्लिप होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। चलो यार, हम तो इंसान है, बाहर से जाकर कहीं खाना खा लेंगे, जानवरों को कहाँ से खाना मिलेगा। अच्छी बात ये कि जो बल्बिया है लोग इनका ख्याल रखते हैं, ये अपना दुनिया की बल्दिया है। ठीक है, अच्छी चीज है जिस तरह की गवर्नमेंट जो है वो रियासत माँ है वो बिल्कुल यहाँ से। अब अगर आप यहाँ से अंदाजा करें जो है बर्फ, ये गाड़ियाँ देखो भाई डूब जाती हैं, डूबी पड़ी हैं। ये देखो तो सही क्या हाल हुआ है, इसको तो स्टार्ट करना मुश्किल हो गया। ये कोनिया का मंजर है जिस वक्त। चाल बहुत नाजुक है भाई, यहाँ पर इतनी जो है वो पड़ी हुई है कि जो बस है वो मुझे में दबा हुआ है। इवन के आज हमें यूनिवर्सिटी से भी छुट्टी थी और जिस हिसाब से बर्फ पड़ रही है या मौसम की जो सूरत हाल है, लग रहा है कि सुबह भी यूनिवर्सिटी जो है वो बंद ही होगी। ये पार्क के हालात हैं जी। जो
होगी जो है वो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, जो उनका बहुत कोई जरूरी काम है वो इसे घर से बाहर निकल रहे हैं। इधर सेल्फी लें। अभी हमने जैसे कॉफी वगैरह पी है, अब जाएंगे खाना वगैरह खाएंगे तो वापस जाएंगे। ये जी अब हमने इधर से खाना खाया है और खाना खा के अब हम जा रहे हैं वापस। मास्टर चिकन से खाना खाया है। लाइफ का पहला ऐसा एक्सपीरियंस। चलो भाई भाई गिरना चाहिए जाने नुकसान से बचाया जा सके।